Assalamualaikum students. बेटा आज के हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास थी उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको लेकर बेटा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करने लगे. ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज के अंदर बेटा हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे. यानी कि जब मैंने स्टार्टिंग पे आपको लेक्चर दिया था तो मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा कितने मेथड होते हैं, तीन. ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तो तीन मेथड्स में से दो मेथड्स पढ़ चुके हैं सर. एक्सरसाइज 1.1 में आपने एक फैक्टराइजेशन पढ़ा, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और आज हम बेटा थर्ड पॉइंट पे आ गए, यानी कि थर्ड मेथड पे आ गए हैं. वो कौन सा जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे. लेकिन पहले आज जो हमारा लेक्चर है वो है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो हमें सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए पहले. तो हम यहां पर लिख सकते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एज वो है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और वेयर a नॉट इक्वल टू 0 कि a का जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होगा. अब सर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या करेंगे बच्चा, सॉल्व. और सॉल्व करके जो आपके पास एंड में सॉल्यूशन आएगा असल में हम उस सॉल्यूशन का नाम क्या रख देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म. ठीक है, तो हमने क्या किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सर, आप सब लोगों को याद होगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आना फर्स्ट कंडीशन थी. सेकंड कंडीशन थी सर आपने x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या बनाना है सर, इक्वल टू 1 बनाना है. तो फिलहाल हमारे पास यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a. तो हम इस a को खत्म करने के लिए क्या करेंगे सर, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a on both side. हमने both side में a से क्या कर देना बेटा, डिवाइड a x square divided by a b divided by a into x c divided by a और is equal to 0 divided by a. ठीक है, ये बेटा आपके पास हम first step हो गया सर कि अगर quadratic equation की standard form है तो x square का coefficient क्या बनेगा. तो a को a से cancel कर देंगे आपके पास बेटा आ जाएगा x square b over a times x plus c over a is equal to 0. 0 is equal to बेटा 0. नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारा कौन सा था कि हमने जो कांस्टेंट टर्म होगी उसे कहां पे मूव करना है सर, राइट साइड. तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है बेटा, यहां पर c over a. ठीक है, तो हमने c over a को कहां पे मूव कर लेंगे, राइट साइड. तो कांस्टेंट टर्म मूव हो रही है सर x स्क्वायर प्लस b over ax और ये जो c over a बेटा वो राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस. ठीक है, अब आपका काम क्या होगा जी, नेक्स्ट आपने क्या काम कर लिया सर, अभी तक x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो 1 बना लिया सर और आपने जो कांस्टेंट टर्म थी उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया. वेरी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आप रफ वर्क में जाएंगे और रफ वर्क में जाकर क्या करना होगा बेटा, आपने x का क्या लेना है बेटा, आपने कोएफिशिएंट क्या लेना है बेटा, x का कोएफिशिएंट लेना है. पर फिलहाल यहां पर बेटा x का कोएफिशिएंट कौन है जी, देखिए तो x का कोएफिशिएंट कौन है यहां पर, b ओवर a. कौन है बच्चे, x का कोएफिशिएंट b over a. तो आपने बेटा x का क्या लेना है, coefficient बेटा उसका आपने क्या करना है, half. उसका क्या करना है, half. तो हमने half जब किया तो उसको करेंगे आप simplify, और simplify कर लिया जब हमने तो numerator से numerator multiply हो जाएगा और denominator denominator. तो आंसर आ गया बेटा जी आपके पास कौन, b over 2a. इसके बाद क्या कर रहे हैं, जब आप x के कोएफिशिएंट का क्या कर लेंगे बच्चे, हाफ कर लेंगे तो जो आंसर आएगा आपका सिंपलीफाइड फॉर्म में, आप उस आंसर का क्या करेंगे, स्क्वायर. आंसर का क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायर, और उसे उस इक्वेशन की बोथ साइड पे क्या कर देंगे, ऐड, जो आपकी प्रीवियस इक्वेशन थी, लास्ट जो आपकी इक्वेशन थी. ठीक है, हम यहां पर अपने स्टेटमेंट लिख भी देता हूं, चले एडिंग, आपने क्या करना है जी, एडिंग b ओवर 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड. आपने इस स्टेटमेंट का क्या करना है बच्चे, स्क्वायर, और स्क्वायर करके लास्ट वाली जो आपकी इक्वेशन होगी उसकी बोथ साइड पे आप क्या कर दोगे, ऐड. तो लास्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x स्क्वायर प्लस b ओवर a x, इसमें बेटा प्लस क्या हो जाएगा, b ओवर 2a का होल स्क्वायर. और सेम इसी तरह से राइट साइड क्या थी हमारे पास, माइनस c ओवर a, इसमें भी प्लस हो जाएगा बच्चे b ओवर 2a का होल स्क्वायर.
रेकेली दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं इसी बात को, हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट था उसका हमने क्या किया हाफ, हाफ करने के बाद आंसर का हमने क्या किया व्हिच इज स्क्वायर, और स्क्वायर करके हमने उसको इक्वल की बोथ साइड्स पे क्या कर दिया व्हिच इज एफ। अब जिन दो टर्म्स के ऊपर बेटा स्क्वायर है उन दोनों टर्म्स को लिखेंगे आप, एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स को लिख लें, बी ओवर टू ए के ऊपर स्क्वायर है तो आप बी ओवर टू ए को लिख लें, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे बेटे आप होल स्क्वायर, अब आप अलग अलग स्क्वायर लिखे इक्वल की क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, और सर इनके दरमियान में साइन कौन सा आएगा जो बेटा इनके मीट में साइन, जो इसकी मीट वाली वैल्यू का साइन होगा वो इसके मीट में है, तो यहाँ पर आप कौन सा साइन लगाओगे फिर प्लस, बेटा राइट साइड में क्या आ जाएगा माइनस सी ओवर ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, और ए का स्क्वायर बेटा कौन आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप सर राइट साइड पे इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आप इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे बेटा स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा देखिएगा x प्लस बी ओवर ए बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे बेटा आपके पास इन दोनों का एलसीएम कौन आएगा फोर ए स्क्वायर, बेटा फोर ए स्क्वायर को जब ए पे डिवाइड किया जाएगा तो ए जो होगा बेटा फोर ए स्क्वायर को जब आप क्या करोगे a से डिवाइड करोगे तो आपके पास a a कैंसिल हो जाएगा बाकी 4a बच जाएगा, और 4a का आपके बेटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस c से, तो आपके पास कौन आ जाएगा माइनस 4ac माइनस 4ac, ठीक है। चलिए हम इस स्टेप को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, मेरा ख्याल है आपको ये सही भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है x plus b over 2a का होल स्क्वायर is equal to LCM क्या आया बच्चे हमारे पास 4a square a के इस a से cancel बाकी बेटा 4a बच गया वो 4a minus c से multiply होगा तो minus 4ac आ गया 4a square से cancel ऊपर कौन आ गया बच्चे b square, ठीक है। और क्या मैं इस statement को इस तरह से लिख सकता हूँ जी b square मैंने पहले लिख लिया और minus का 4ac मैंने क्या लिख लिया बाद, ठीक है। अब आप क्या करोगे जी स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसके ऊपर पहला क्या लोगे स्क्वायर, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप बेटा बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर फोर ए स्क्वायर, बेटा आपने बोथ साइड पे क्या लिया स्क्वायर रूट, और अब आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ क्या लगाते हैं प्लस माइनस। अब आप क्या करेंगे जी अब आपका काम ये है कि इस राइट साइड पे हम लेफ्ट साइड पे बेटा स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आ गया x प्लस b ओवर 2a, ठीक है बच्चे। और राइट साइड पे बेटा आप ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दोगे और वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, यानी कि ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता, और नीचे जब आप स्क्वायर रूट को अलग करोगे तो ये आ गया आंसर 4a स्क्वायर। वेरी नेक्स्ट स्टेप में बेटा आप इसका क्या कर सकते हो 4a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 2a का भी ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आप इसे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से क्या कर सकते हो कैंसिल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में x plus b over 2a is equal to plus minus square root of b square minus 4ac divided by क्या आ जाएगा बच्चे 2a जी, x find करना आपने ये b over 2a बेटा right side पर जाकर क्या हो जाएगा minus plus minus square root of b square minus 4ac over 2a, ले बेटा इन दोनों का एलसीएम कौन आएगा 2a 2a एलसीएम ऊपर आ गया सर माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आप इसे मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं जी नो, अगर आप इसे मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते तो बेटा यही आपका क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट होगा, तो आप इसे किस में लिख दोगे बेटा सॉल्यूशन सेट, और इनफैक्ट ये जो अभी हमने डिराइव किया बेटा इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्यों बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही क्या किया बेटा डिराइव किया, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए जी, इक्वेशन जिस मर्जी वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए चाहे x चाहे y चाहे z जिस मर्जी वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए अननोन क्वांटिटी जो मर्जी हो,
ठीक है, आपके पास फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसको याद रख लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बेटा जितने भी क्वेश्चन होंगे ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या करेंगे सॉल्व। और ये जो बेटा आपको डेरिवेशन करवाई गई है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है सर, तो इसलिए आपने इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से करना। उम्मीद है आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ आ गई होगी, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर बेटा हमने 10 पार्ट डिस्कस किए, तो आपने इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के साथ मुलाकात होगी। बहुत बेटा।